शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 155 केंद्रों पर कुल 17,258 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,570 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 12,681 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, महिला एवं पुरुष जिला अस्पताल, सीएससी, पीएससी सहित 155 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने बताया कि जनपद में अब तक 37,97,000 से अधिक लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 24,75,000 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 13,22,000 लोग शामिल रहे। उन्होंने कहा कि अभी भी जनपद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पताल पर निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए अपने नज़दीकी सेंटर या जिला अस्पताल जाकर अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवा लें, जिससे अपने जनपद को कोरोना से मुक्त रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, मैम कोई रिकॉर्ड के लिए आज हमारे जनपद में 155 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हमने 37,97,000 लोगों का टीकाकरण कर लिए हैं, उसमें से 24,75,000 प्रथम डोज है और 13,22,000 सेकेंड डोज है। अभी हमारे जनपद में काफ़ी मात्रा में लोग फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के लिए छूटे हुए हैं। फर्स्ट डोज के लिए कभी करीब 8 से 9 लाख लोग छूटे हुए हैं। हमें सबसे अपील है कि कोरोना अभी गया नहीं है, बीच में धीरे धीरे किसी न किसी रूप में आता रहेगा, तो सबसे सुरक्षित है कि सभी लोग अपनी कोरोना वैक्सीनेशन करा लें, जिससे भी किसी व्यक्ति तरह की अगर कोई चीज़ इन्फेक्शन होता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आपको गंभीर बीमारी होने से बचाएगी।